होती है, जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी तय होती है उसके अंदर। तो जब वो पता लगे मैंने करना या नहीं करना, तो वो तूने नहीं किया मैंने नहीं, वो खत्म हो जाता है। उसमें क्या होता है कि टीम के अंदर प्यार बढ़ जाता है। नमस्कार, मैं संगीत गुप्ता रविंद्र अग्रवाल जी के साथ, क्रिएटिव हाईटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर। सर एक पायनियर हैं हमारे एक छोटे से सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा यूज़ करने में, और उसका नाम है टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। टास्क मैनेजमेंट मतलब लोगों को काम देना, लोगों को बताना कि बेटा तुम्हारा ये काम था तुमने नहीं किया, 9 days left, 6 days left, 3 days left, 1 day left, ओवरड्यू कर ले भाई क्यों नहीं कर रहा, और उसको मॉर्निंग मीटिंग्स में डिस्कस करना। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड आपको क्या मज़ा आया इस सोल्यूशन में? नहीं सर, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और काफ़ी टाइम पे मैं ऐसी चीज़ें खोज रहा था, अभी ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और जहाँ पे प्लांट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मल्टी डाइवर्सिफिकेशन हो, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से काम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता था। और अब हमारे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, और इवन मैनेजमेंट को भी कोई भी बंदा टास्क दे सकता है। अब मेरे पास जो भी कोई आदमी आता है, अगर कहता है मेरा ये काम नहीं हुआ, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है हैव यू उसमें टास्क डाल दिया आपने, अगर वो कितनी बढ़िया बात है। देखिए कि कह रहे हैं कि मैनेजमेंट भी औरों का टास्क देती है, और मैनेजमेंट को भी किसी ने रिक्वेस्ट करनी है मेल मत डालो, टास्क में डाल दो, वो एक एक्टिविटी बन गई, उसको हम मॉनिटर करेंगे। ये सर मैं ये नहीं कहता मेल नहीं डालो, हमने कहा अगर मेल जरूरी है तो मेल डाल दो, मेल डालने के बाद में उसका रेफरेंस दे दो, ये मेल मैंने उसके अंदर डाल दी है। और उसके अंदर कभी भी कुछ कंटेंट ज्यादा होता है, अगर उस टास्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आ सकता, तो वो उसको मेल के अंदर रेफर टू मेल डाल दो, मेल डाल दो, मेल, क्योंकि मेल के कोई परहेज नहीं है, परहेज ये है कि कैप्चर करना है। हमारी फैक्ट्री के अंदर मोटे मोटे तौर पर लग कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कैप्चर नहीं होती, तो ये टूल कैप्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है। उठाया बक्से में डाल दिया, अब वो जब इसमें डल गया तो कहीं ना कहीं क्लोज होकर खत्म होगा, अब वही खत्म नहीं होगा। तो इससे लोगों में क्या क्या एक एनर्जी आ गई है आपके नेचुरल, नेचुरली वो जितनी भी प्रॉब्लम्स है कैप्चर हो जाएंगी, एक जगह पे आ जाएंगी। हर एक बंदे के कौन टाइम कितने किए, लेट कितने किए, अप्रूवल कितने किए, एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अब मान लो उसने कुछ आपको रिपोर्ट वीकली देनी है, उनका वीकली टास्क डाल दो, आपने मंथली लेनी मंथली टास्क डाल दो, डेली डालनी डेली डाल दो। हमने तो यहाँ तक भी किया कि लोगों की हैबिट बन जाए कि आपने ये फेंसेस वाला टास्क वाला खोला सवेरे, उसका टास्क जनरेट किया, शाम को बंद किया, उसका टास्क दे डाला, लेकिन लोगों को आदत डले, एक बार एक सुबह एक बार खोलना ही और एक बार शाम को बंद करना, वी हैव जनरेटेड टास्क एवरी डे करना है। तो सर आप इसको मॉनिटर कैसे करते हो, इतने सारे टास्क हो जाते होंगे, तो आपने क्या कल्चर ऐसा किया कि लोग इसे देखें और एक्शन लें? मीटिंग का टूल क्या है? मीटिंग का टूल है कि आप जब भी अपने HOD के साथ मीटिंग करते हैं, उसके साथ में जिस बंदे के साथ भी आप बैठते हैं, इस टास्क को खोल के ही करें, ये तेरे इतने पेंडिंग है, इतना ये है, इतना ये तेरा काम होने लगे, तो सवेरे की मीटिंग्स में ये सब डिस्कस होने लगे। और हमारी एक प्रेयर होती है उस मीटिंग के अंदर भी, हम क्योंकि अभी इसको DNA में डालना है, तो अभी एक महीने डेढ़ महीने के गोल है, डेली डिस्कशन होती है उसके। तो लोग अपने टास्क को लेकर, जैसे अभी आपके टीम मेंबर बता रहे थे कि लोग फॉलो अप कर रहे होते हैं कि मैंने काम कर दिया अमृतसर के ID में जाके, मेरे को अप्रूव कर दो ताकि मेरी कल की पेंडेंसी में ना आए। मुद्दा इसमें एक तो कैप्चर हो गया, एक है अभी वो रिकॉर्ड पे आ गया, रिकॉर्ड के आने के बाद में उसने टाइम सर किया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसने लेट किया तो जब उसको दिखने लगता है कि मेरा, तो अपने आप ही दिखने लगता है, लेटर करने में वो काम होने लगता है। मुद्दा मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो कैप्चर होता है। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, हम कहने पहले इसमें डाल दो, कैप्चर होगी, अब ये खत्म तो कहीं ना कहीं जाके होगी, कहीं ना इधर भूल तो सकता नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, तो उसके अंदर होने वाली है उसके अंदर। और उसको वो अपने अगर HOD जो उसने अप्रूव करना का उसके पास भी जाता है, सर मेरा अप्रूव कर दो, अगर उसने ठीक किया हो तो ठीक है, नहीं किया तो रीसाइन कर देंगे। हम ये भी देखेंगे किस बंदे को कितना रीसाइन करना पड़ता है, बहुत सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर निकल सकती हैं। ये पर्टिकुलर उनके लिए बहुत यूज़फुल है जिनके बहुत जगह यूनिट है और बहुत मल्टी तरह के काम करते हैं, मल्टी तरह के नए लोग हैं, उसके अंदर मेरे हिसाब से बेस्ट टूल है। एक्सेलेंट सर। सो मैं ये चाहूँगा कि रविंदर सर, देखिए आप सबके भी अपनी अपनी कंपनीज हैं, आप भी कहते हैं यार मेरे पास टाइम नहीं होता ERP यूज़ करने का, बट देखिए सर ERP को यूज़ करते हैं, करवाते हैं, मॉर्निंग मीटिंग के अंदर इंस्टेड बातें करने के या डायरी एक्सचेंज करने के, टास्क मैनेजर खोल के बैठ जाते हैं इनकी टीम मेंबर्स, किस किस बंदे के क्या टास्क हैं, बेटा इसका क्या हुआ, ये 6 दिन लेट क्यों हुआ, ये 15 दिन से काम पेंडिंग क्यों चल रहा है, तुम भूल गए क्या, भूल कैसे सकते हो, हर रोज़ तुम्हें ईमेल तो आ ही रही है इसकी, तुम्हारे डैशबोर्ड पर भी आ रहा है। तो उस सब से सर ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया, तो ये तो कहते हैं कि पूरा ERP एक तरफ और अकेला इसने मुझे जो फायदा दे दिया वो उसका सुपर इसका बेस्ट टूल ये होता है कि मोस्टली जो हमारी इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप क्यों खराब होती है,
उसका कई कारण होते हैं, लेकिन एक बेस्ट कारण होता है कि मैंने अपना काम समय से नहीं किया है ना, मैंने कहा था या मैंने समझा नहीं, उसने ये बोला था, मैंने ये सुना, तो वो जो कम्युनिकेशन खत्म हो जाती है, जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्लियर कट अकाउंटेबिलिटी तय होती है उसके अंदर, तो जब वो पता लगे मैंने करना या नहीं करना, तो वो तूने नहीं किया मैंने नहीं, वो खत्म हो जाता है, उसमें क्या होता है कि टीम के अंदर प्यार बढ़ जाता है। Excellent. लोग अपनी प्यारी वाली बातें करेंगे, एक बात है उसे अप्लाई करके पुट टू यूज करना एक और बात है, एंड फॉर दैट क्रिएटिव हाईटेक इज अ सक्सेस स्टोरी, कांग्रेचुलेशन टू यू। Hi-Tech Private Limited, one of our very top organized customers. इनके different products हैं, जैसे cooler बनाना, mixie बनाना, washing machine बनाना, swing machine के covers बनाना, पूरे India में इनकी supply है। और ये बहुत सारे brands के लिए काम करते हैं, अपना tooling department है, designing एक अच्छा काम है, काफ़ी 4 plants हैं इनके, and happy to be a part of the creative high-tech team. And इन्होंने Finsys को हर चीज़ में बहुत अच्छा यूज़ किया है, एक एक मशीन की प्रोडक्टिविटी, मशीन्स का OEE देखना, rejections देखना, work in progress देखना, plan versus actual देखना, accounts of course इन्होंने हमें ही आउटसोर्स कर रखा है, तो हमारा जो making business better, हमारा जो accounting BPO division है वो इनकी accounting करता है, और इनके कोर प्रोसेसेस, इनके सेल्स, परचेज, क्वालिटी, प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को ये ऑब्वियसली मैनेज बहुत फैंटास्टिक तरीके से करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट्स बिहाइंड माय सुपर ग्रोथ स्टोरी। सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव ग्रुप, एंड विद द काइंड परमिशन हम ये आपको दिखाते हैं किस तरह से, जैसे सर ने अभी वीडियो में दिखाया, बताया आपको किस तरह एक एक बंदे को क्या टास्क, किसने क्या टास्क किसको दे रखे हैं और किसको क्या टास्क मिल रखे हैं। जैसे मेरे को एक टास्क इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो टास्क कंप्लीट ऑन टाइम हो गया, बाकी ये बाकी जीरोज हैं, देयर इज नथिंग पेंडिंग। और लेट अस से मैंने 10 टास्क डिफरेंट लोगों को इनकी टीम में दिए थे, तो उनमें से कुछ टास्क ऑन कंप्लीट टाइम हो गए, कुछ अभी मैंने एक दो दिन पहले ही दिए हैं, देयर उनका भी टाइम बचा है, उन काम कर रहे हैं। सो बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स हैं जो Finsys में इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ किए हैं। आप अगर स्क्रीन को देख रहे हो, देखिए ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर टास्क किसी को दिया जाता है, यहाँ टास्क के ऊपर सामने वाला अपना एक्शन करता है, सर मैंने काम कर दिया। जैसे आपने कहा था कि कस्टमर की विजिट होने वाली है, उसकी तैयारी करो, आपने किसी को टास्क दिया, उसने कहा सर मैंने इसके लिए ये तैयारी कर दी, आपने कहा था ESI रिटर्न भरो, उसने रिटर्न भर दी, आपने कहा था XYZ TDS जमा करो, कर दिया, क्वालिटी डिपार्टमेंट से एक पर्टिकुलर काम कहा कि इस चीज़ चेक करके बताओ सारे इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन हो रखी नहीं हो रखी, उसने कर दी। फिर जो सीनियर है वो लॉगिन करके कहेगा हाँ आई एम सेटिस्फाइड, तुमने काम ठीक कर दिया, ओके, अदरवाइज वो कह सकता है नहीं आई डोंट एग्री, फिर से करके आओ, तो काम पेंडिंग रहेगा। टास्क का अप्रूवल है कम्प्लीशन, हाँ जी मुझे कम्प्लीट टास्क मैंने कम्प्लीट किया, ये टास्क की रिपोर्ट्स हैं, टास्क की स्टेटस रिपोर्ट्स, टास्क के डैशबोर्ड्स, मैनेजमेंट लेवल पर डैशबोर्ड्स जिसमें रेड येलो ग्रीन पैरामीटर्स भी आते हैं, और ये टास्क का स्टेटस डैशबोर्ड्स। तो बड़ी खुशी होती है लोग जब इसको बढ़िया काम करते हैं, एंड क्रिएटिव हाईटेक इज अ पायनियर इन मेकिंग देयर ओन लाइफ बेटर, मेकिंग देयर बिजनेस बेटर। एंड जब ये इतना खूबसूरती से सर ने बताया क्या कुछ ये कर रहे हैं, और वही चीज़ें अगर हमारे देश का हर मैन्युफैक्चरर, हमारे देश का हर मैन्युफैक्चरर अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लेगा, अपने रिलेशनशिप्स को बढ़ा लेगा, अपने डिसिप्लिन को बढ़ा लेगा, अपने काम को अच्छे से अच्छा करता जाएगा, तो नोबडी कैन स्टॉप इंडिया फ्रॉम द $5 trillion इकोनॉमी। सो लेट्स बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी। लास्ट 5 ईयर्स हैव बीन फैंटास्टिक ग्रोथ फॉर Finsys कस्टमर्स, डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन, डिस्पाइट GST, वी एक्चुअली हैव ग्रोन, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज ग्रोन 2 times, 3 times, 4 times, समटाइम्स इवन 5 times. So we are a part, and we are glad to be a part of their growth stories. Thank you.